नमस्कार दोस्तों, कल मेरे साथ 3500 रुपये का फ्रॉड होने वाला था। मैंने 3500 रुपये अपने अकाउंट से कटने से पहले थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड या थोड़ी सी सावधानी से मैंने अपने 3500 रुपये बचा लिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये जो फ्रॉड मेरे साथ होने वाला था आपके साथ भी ना हो। यदि आप फ़ोन पे यूज़र हो, गूगल पे यूज़र हो या पेटीएम यूज़र हो, तो पेटीएम और फ़ोन पे और गूगल पे में क्या फ्रॉड चल रहा है, वो नया ट्रिक है, नए तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो उसके साथ मेरी जो बातचीत हुई और जो पूरा फ्रॉड है, सिस्टम है, उसका आज इस वीडियो में खुलासा करेंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी ऐसे शुरू होती है, मेरे पास एक नंबर से कॉल आती है और कॉल में मेरे को जो कॉन्टैक्ट करता है वो पूछता है कि आप फ़ोन पे आपको एक 3500 रुपये का रिवार्ड मिला है, 3500 रुपये का रिवार्ड मिला है। तो फिर वो आपको एक लिंक भेजेगा और लिंक भेज करके आपके पास एक लिंक आएगा और 3500 रुपये आपको रिसीव करने के लिए कहेगा। लेकिन होता है क्या एक्चुअल में, चलिए आज मैं आपको इस ऑडियो में सुनाता हूँ। तो सुनिए दोस्तों, पहले क्या हुआ। हेलो हेलो, फोन पे कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। आपको कॉल किया गया था ना सर। हाँ जी सर। जी सर, आपको सिर्फ फोन पे कंपनी के माध्यम से 3500 का सुपर कैशबैक मिला है सर, वो रिसीव नहीं होने के कारण आपको कॉल किया गया था। ओके सर, तो आप रिसीव करना चाहोगे या कंपनी में वापस कर दूं सर। हाँ रिसीव करना चाहूंगा सर, ओबियसली। बताइए कैसे रिसीव करना है। उसके लिए सर फोन पे आपका लॉगिन है ना सर, फोन पे ओपन करके आप चेक कर लीजिए सर, आपको कूपन 3500 का मिल रहा है। हाँ मिला हुआ है सर। जी कैसे मिलेगा वो, फोन पे मैं कहाँ करूँ चेक। फोन पे ओपन करके आप नोटिफिकेशन पे चेक कीजिए। हाँ जी चेक कीजिए, देखिए कूपन मिल रहा है आपको। हाँ मिल रहा है सर। तो फ़ोन पे वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को फ़ोन के पे कंपनी का एम्प्लॉय बताता है, उसके बाद आपको कहता है कि थोड़ा सा लालच देता है कि आपको 3500 रुपये का रिवार्ड मिला है। उसके बाद आपको एक लिंक भेजा जाएगा जो कि बिल्कुल फ्रॉड होगा। आप सोचेंगे आपको रिवार्ड मिला है, उल्टा आपके खाते से अकाउंट में से कुछ 3500 रुपये की अमाउंट वो कट जाएगी। और वो मैं दिखाऊंगा कि आपके पास कौन सा लिंक आया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। लेकिन उससे पहले इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, उसने आगे क्या बताया। आपका फोन पे अभी लॉगिन है ना सर। हाँ लॉगिन है सर। जी, अभी एक मिनट बाद मेरे को वो कूपन का लिंक देगा। समय देना पड़ेगा। आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं सर। कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं सर, फोन पे से बोल रहे हैं क्या, कंपनी से। फोन पे से बात कर रहा हूँ सर। कहाँ की ब्रांच से सर। जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर, रोहिणी सेक्टर नंबर 3 से। दिल्ली सेक्टर 3 से। ओके, इसमें फिर क्या बेनिफिट होगा सर, 3500 रुपये में डायरेक्ट 3500 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे क्या आएगा। जी सर, आप अगर ये रिसीव करते हो तो आपके अकाउंट पे सर 3500 रुपये जमा होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जमा नहीं होंगे, कटेंगे। जी आपके अकाउंट से मैं 1 रुपये नहीं निकालूंगा। ऐसे कैसे सर, क्योंकि आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। अच्छा तो 3500 मेरे को ऐसे कैसे फ्री में दोगे क्या आप। जी सर, फोन पे कंपनी के माध्यम से दिया जा रहा है सर, कैशबैक रिवॉर्ड के रूप में सर। अच्छा रिवॉर्ड। और आप इसके बदले में मेरा फिर पूरा अकाउंट रिवॉर्ड के बदले में ले लेंगे। फिर आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है ना। अच्छा ठीक भेजो फिर, आप क्या भेज रहे हो। चेक कीजिए, भेजा गया है, आप नोटिफिकेशन पे चेक कीजिए। तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने मेरे को एक कूपन भेजा और वो कूपन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये कूपन भेजा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी को कोई रिवार्ड एक्सेप्ट करते हो, किसी को भेजते हो, तो उसको पहले ये देख लो कि इस पर लिखा क्या है, ठीक है। हमें इतना ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। तो इसके ऊपर आप देखोगे, इसके ऊपर लिखा हुआ पे, आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट कितने 3500 रुपये, और ये इसके खाते में चले जाएंगे। तो आपके ऊपर यदि कोई चीज़ रिसीव करनी होती है तो वहाँ पे रिसीव लिखा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, पे है। पे का मतलब आप समझ रहे हो कि आप भुगतान कर रहे हैं 3500 रुपये का। इसके बाद आपके अकाउंट से 3500 रुपये कट जाएंगे, ना तो आपकी फ़ोनपे वाले सुनेंगे, ना ही कोई बैंक अकाउंट वाला सुनेगा, क्योंकि ये आपकी आपकी इच्छा से आपने भेजे हैं।
तो दोस्तों ये एक नया फ्रॉड है, नया मार्केट में आया है। 3500 रुपये आपके अकाउंट से कट जाते हैं, एक लिंक जनरेट करते हैं, लिंक के ऊपर आप जाते हो और आप धोखेबाजी का शिकार हो जाते हो। दोस्तों इस फ्रॉड से आपको बचना है और आपके भाई बहन दोस्तों को भी इससे बचाना है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में इनका जो ये जाल फैला हुआ है ये निष्क्रिय हो जाए। तो आप इसके अंदर मेरा सहयोग करें, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करके वहाँ तक पहुँचा दें, ताकि जो ये फ्रॉड चल रहा है इस फ्रॉड सिस्टम को हम उखाड़ फेंकें। सो उनके इरादों को हम कामयाब ना होने दें। सो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे।